इस वीडियो के एंड होते होते ये सेटअप कुछ इस तरह का लगेगा। तो सबसे पहले इस दीवार से स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा पहले मैंने दीवार में इस तरह के ब्लॉक्स लगवाए थे और कारपेंटर भैया ने इसमें इस तरह की लाइंस छोड़ दी थी। और दूसरी दीवार अगर आप लोग देखोगे तो वो तो बहुत ही गंदी लगती है, आधे में ग्रे कलर हो रखा है, आधे में ब्लू कलर हो रखा है। इसको हमने पर्दे से छुपाने की भी कोशिश करी है लेकिन कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, तो आज फाइनली इसको ठिकाने लगा देंगे। तो मैंने एक ब्लैक थीम सोची है, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें इन दीवार में ब्लैक कलर करना पड़ेगा। तो फाइनली पेंट होने के बाद दीवार कुछ इस तरह से लग रही है और अभी आप लोग देख सकते हो कि इतना ज्यादा अंतर आ गया है। अब हम इसको और लेवल अप करने वाले हैं। तो इस दीवार को डेकोरेट करने के लिए मेरे पास काफी सारे ऑप्शन थे, जैसे कि मैं इसमें फ्रेम्स वगैरह लगा सकता हूँ, प्लांट्स वगैरह, या फिर बहुत सारे ऑप्शन है। बट मैंने डिसाइड किया कि थोड़े कलर्स वगैरह ऐड करेंगे ताकि हम अपने पूरे सेटअप को टील और ऑरेंज वाला लुक दे सके। तो मेरे पास ये लाइट्स पड़ी हुई है, मेरे को बस इस दीवार से निकाल के उसको उस दीवार में फिट करना है, तो पहले वो कर लेते हैं। अब फाइनली लाइट्स लग चुकी है और इसमें काफी तगड़े तगड़े फीचर है, काफी मस्त लाइट है ये। अब साइड वाली दीवार के लिए भी मैंने ब्लैक ही पेंट सेलेक्ट किया है। कमरा तो काफी डार्क हो जाएगा लेकिन लाइट्स वगैरह लगाने के बाद जो फाइनल लुक आने वाला है वो टोटली वर्थ इट होगा। अब कलर होने के बाद आप लोग नोटिस करोगे कि इस दीवार में और उस दीवार में ज्यादा मतलब पता ही नहीं चला कि कहां पे सेपरेशन है। तो उसके लिए भी मैं यहां पे एक लाइट ऐड कर रहा हूं। ये वाली लाइट मेरे पास बहुत पहले से पड़ी है लेकिन अगर आपको बजट में बनाना है तो आप लोग एक इस तरह की विप्रो की ट्यूब लाइट ले सकते हो और भाई इसमें आप लोगों को 16 मिलियन कलर मिलते हैं और ऐप कंट्रोल भी मिलता है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग कलर चेंज कर सकते हो। और ब्लैक बैकग्राउंड में आप लोग कोई भी लाइट मारो वो दीवार उसी कलर की बन जाती है, मतलब पूरा आपका बैकग्राउंड ही चेंज हो जाएगा। अब ये वाली दीवार हमारी फाइनल हो चुकी है और हमने यहां भी लाइट लगा दी है। अब जो सबसे बड़ी दिक्कत है भाई वो इस दीवार को डेकोरेट करना है, क्योंकि मैं बजट में भी सेटअप बनाना है और अगर मैं ऑनलाइन मंगाने जाऊंगा, जैसे कि मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे वाइट शेल्फ लगा दूं, लेकिन अगर मैं उसको ऑनलाइन लेने जाऊंगा तो वो काफी महंगी मिलेगी और सबसे बड़ी बात उसको आने में भी काफी टाइम लग जाएगा। लेकिन मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ क्योंकि मुझे सेटअप जल्द से जल्द बनाना है। अब जुगाड़ू तो हम लोग हैं ही, तो काफी देर तक घर में ही छानबीन करने के बाद मुझे एक इस तरह की प्लाई मिली है और फॉर्चुनेटली मैंने अपने कमरे की दूसरी साइड को व्हाइट थीम में कन्वर्ट करने का डिसीजन लिया है। तो उसके लिए मैं पहले से ही व्हाइट पेंट ले आया था और पेंट का मैं आप लोगों को शायद प्राइस बताना भूल गया। तो ये इंडिगो के पेंट है, ब्लैक और व्हाइट दोनों, और एक लीटर मुझे 200 रुपए का मिला है। तो टोटल जो हमारा ये ब्लैक बैकग्राउंड बना है इसमें सिर्फ हमें 400 रुपए का खर्चा आया है। अब सबसे पहले मैं इस फट्टे को व्हाइट पेंट कर लेता हूँ और फिर इसका लुक काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है। तो जब तक ये सूखता है तब तक हम डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोग इसमें प्रॉप्स क्या क्या रखने वाले हैं। तो पहले सेटअप वाली वीडियोस के लिए मैंने इस तरह के फेक प्लांट्स मंगाए थे और अगर आप लोगों के पास कोई खिलौने वगैरह हैं तो वो भी आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हो। लेकिन एक चीज जो आप लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो वो एक इस तरह का सॉल्ट लैम्प हो सकता है या फिर इस तरह का मून लैम्प हो सकता है। अब फट्टे को दीवार में टांगने के लिए मैंने यहाँ पे चार कील ठोकी है और इसको लगाने के बाद ही आप लोग देख सकते हो कि कितना बड़ा अंतर आ गया है और ये कितना सुंदर लग रहा है। एक साइड पूरी तैयार हो चुकी है, एक साइड हमने आधी तैयार कर दी है और बस ये सेटअप पूरा होने ही वाला है। तो अभी अगर आप लोगों को मैं लाइट्स वगैरह ऑन करके दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह का लग रहा है। और आप लोगों ने टाइटल में नोटिस किया होगा मैंने लिखा है बजट यूट्यूब स्टूडियो अंडर 5000। तो ये जो हमारा सेटअप बनने वाला है ये 5000 से भी कम में बनने वाला है। तो अभी हमने ब्लैक पेंट कर दिया जिसके लिए हमारे 200 रुपए लगे। हमने एक इस तरह का फट्टा लगाया जो कि अगर आप लोग घर में ही ढूंढोगे तो फ्री में मिल जाएगा, वरना अगर आप लोग बाजार से भी लोगे तो सिर्फ 50-60 रुपए का मिल जाएगा। इस तरह के फेक प्लांट आप लोगों को अमेजोन में 300 रुपए के 6 मिलते हैं या फिर 250 रुपए के 6 मिलते हैं। मून लैंप आप लोगों को 600-700 का मिल जाएगा। ये ट्यूबलाइट आप लोगों को 1200 की मिल जाएगी। अगर आप लोगों के पास पहले से ही घर में डेस्क वगैरह पड़ी है तो आप लोग वो यूज कर सकते हो, वरना अगर आप लोग लोकली भी बनवाओगे तो 1500 से 2000 तक में काफी तगड़ी डेस्क बन जाएगी। अब हम लोग इस सेटअप में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ऐड करने वाले हैं जो कि है इस तरह का सनसेट लैंप। इसमें आप लोगों को दो वेरिएंट मिलते हैं, एक में इस तरह के जेल पेपर मिलेंगे और दूसरे में आप लोगों को रिमोट मिलता है, तो टोटल RGB लैंप हो जाता है। एंड मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि रिमोट वाला ही लेना, वो ज्यादा सही रहेगा। अब पूरे सेटअप को कंप्लीट करने के लिए ये दूसरी साइड आप लोग देख सकते हो अभी पूरी ब्लैंक पड़ी हुई है, बीच में एक खिड़की है। सिर्फ अभी के लिए मैं इसको ऐसे ही रहने दे रहा हूँ। दूसरी साइड को कंप्लीट करने के लिए मैं यहाँ पे एक इस तरह का रैक लेके आया हूँ एंड इसका प्राइस है 2000 रुपए। मैंने लोकली लिया है, ऑनलाइन ये थोड़ा महंगा है बट लोकली आप लोगों को 2000 का मिल जाएगा। और भाई इसमें लुक्स तो है ही है, उसके अलावा ये स्टोरेज के लिए भी काफी तगड़ी चीज है। नीचे पहिए भी लगे हुए हैं तो आप लोग इसको इजिली इधर उधर खिसका सकते हो। अगर मैं आप लोगों को टोटल इस पूरे उसका बजट बताऊं तो वो अप्रोक्सीमेटली 10000 तक गया होगा, लेकिन अगर आप लोगों का बजट 5000-3000 तक का है तो आप लोग इजीली ये सेटअप को बना सकते हो। इससे पहले भी मैंने 5000 के अंदर एक और सेटअप बनाया है और वो आप लोग यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो।